होने वाली है तो विवेक अग्निहोत्री ये उनका वीकेंड है। मोहनजोदारो कमाल की पिक्चर है, बहुत पिटाई हुई, मैंने ऋतिक को धो 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 डाला और बहुत एक्साइटिंग फिल्म है। हम लोग की एक्शन टीम मैट्रिक्स की एक्शन टीम थी, वेरी एक्साइटिंग। तो अभी सब खत्म हो गया, अब डबिंग वबिंग बाकी है, फिर अगस्त में निकलेगी। द होल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस फिल्म, क्योंकि एक तो मैंने बहुत बड़े और अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे मौका मिला काम करने का। अनुपम जी हैं और पल्लवी जोशी हैं और हमारे साथ अनुरुद्ध हैं, सब तो माही है, तो इनसे काफ़ी मैंने सीखा और मज़ा आया। बस मैंने फिल्म ऐसे किया जैसे मैं मज़ा कर रही हूँ, आई जस्ट एंजॉयड वर्किंग इन द फिल्म। बहुत ही बिंदास कैरेक्टर है, शी इज़ अ वेरी आउट गोइंग गर्ल, और जैसे कि आज कल लड़कियाँ हैं बहुत आउट गोइंग एंड नो शी डजंट थिंक बिफोर शी स्पीक्स बिकॉज देयर इज नथिंग इन अ हार्ट विच शी वॉन्ट्स टू कीप। आई मीन शी इज़ अ वेरी ओपन गर्ल, शी डजंट टॉक अबाउट और थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, बट वट एवर इज राइट शी टॉक्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। बुद्धाना ट्रैफिक जैम जो है ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स और इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के बीच में है, नेक्सल एनजीओ एकेडमिया का जो नेक्सस है उसके बारे में, तो एक ऑल्टरनेट नैरेटिव है ये पॉलिटिक्स को लेके। एंड आई थिंक शायद तो फर्स्ट टाइम इसका आपने टैगलाइन दे रखा है टू इंडियंस वन रिवॉल्यूशन, इससे क्या तात्पर्य आपका? टू इंडियंस तो नहीं, एक तरफ जहाँ पे आईपीएल चल रहा है, लाखों लोग वहाँ पे चीयर्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बच्चे वो लकड़ी को तोड़ तोड़ के गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, टू इंडियंस। लेकिन अगर हमें ये डिस्पैरिटी अमीर और रईस और हैव लेफ्ट और सिटी कम करनी है तो ये वन रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन क्या होगा इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेना चाहता है। तो इस मूवी से स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है कि देखिए मैं पिछले 45 दिन से नॉन स्टॉप हिंदुस्तान के टॉप 30-35 स्टूडेंट्स उनको प्रेमियर कर रहा हूँ और हमारे घंटों घंटों क्वेश्चन आंसर चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ। और आपको पता होगा कि दो दिन पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी के लाइट्स हो गए इतने बड़े, तो आप समझ सकते हैं कि यानी कहीं पे स्टूडेंट्स जो है उनको एक नया ऑल्टरनेटिव नैरेटिव मिला है जिसको डिबेट कर रहे हैं। अनुपम खेर जी का इसमें मेन रोल है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक इसमें बड़ा वंस इन अ लाइफ टाइम का रोल कर
कर रहे हैं और उनने इसको जिंदा कर दिया, जो कैरेक्टर है उसको एक अलग रूप दे दिया है और वो इतना अच्छा उन्होंने प्ले किया है। आप फिल्म देखिए, आपको समझ में आएगा ये अरुण है आपकी लाइफ का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। इस मूवी की होल स्टार कास्ट भी है, उसके साथ आपका पहली बार हो रहा था तो उसका एक्सपीरियंस और
सभी को पता है नक्सलाइट के ऊपर है, और मुझे ऐसा लगता है रिलीज नहीं हुई, छोटी फिल्मों का रिलीज होना मुश्किल होता है, और आज जो देश में